नमस्कार एंड वेलकम टू मिशन वेट लॉस योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वेट लॉस विथ कम्प्लीटली होम मेड फूड्स आज जो मैं रेसिपी आपके साथ बना रही हूँ मेरी फेवरेट रोटी की रेसिपी है आई ईट इट वेरी रेगुलरली ये कम्प्लीटली ग्लू फ्री है हाई इन फाइबर है हाई इन प्रोटीन है बेहतरीन है अगर किसी को पी सी ओ डी है डायबिटीज़ है थायरॅड है, है, है या वो सिर्फ अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू मिशन वेट लॉस ऑन and एंड us ऑन Facebook एंड Instagram. इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया वन फोर्थ कप सत्तू का आटा पानी जितना लगेगा आटा लगाने के लिए एक बाउल जिसमें हमें इस रेसिपी को बनाना है टेबल सॉल्ट पेरी पेरी मसाला एज पर टेस्ट एंड सब्जियों में हमें लगेगी शिमला मिर्ची आधी गाजर एक दो कली लहसुन थोड़ी सी हरी मिर्ची एंड आधा प्याज एक बाउल लीजिए मिक्सी का छोटा वाला जार उसके अंदर सारी सब्जियों को काट लीजिए प्याज डाला शिमला मिर्ची गाजर मिर्ची लहसुन की कलियां और इसे पल्स मोड को यूज़ करते हुए बारीक चर्न कीजिए अब एक बाउल लीजिए उसके अंदर इस चर्न वेजिटेबल्स को निकाल लीजिए अब इसमें पेरी पेरी मसाला और सॉल्ट को स्वादानुसार डालिए अब इसमें डालिए सत्तू का आटा और ज़रा जरा सा पानी डालते हुए इसे गूंद लीजिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जैसे आलू के पराठे में पीठी की कंसिस्टेंसी रहती है ये हाथ में चिपकना नहीं चाहिए और एकदम स्मूथ गुंज जाना चाहिए इसे गूँ कर लगभग पंद्रह मिनट तक ढक के रख दीजिए अब एक पैन को गरम कीजिए प्री ग्रीस्ड पैन लीजिएगा जब ये पैन गर्म हो जाए तो इसमें इस आटे को हाथ से फैला लीजिए बहुत सावधानी से फैलाइएगा हाथ मत जलाए लेना आँच को हमने लो टू मीडियम हाई रखना है आप जितना चाहें उतना पतला इस रोटी को कर सकते हैं जब एक बार आपकी रोटी फैल जाए तो इसे ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम हाई गैस पर लगभग दो मिनट तक पकाइए ढक्कन हटा के फ्लिप कीजिएगा रोटी टूटने के बहुत चांसेस होते हैं जैसे साइड से मेरी थोड़ी सी टूट गई इसे वापस चिपका के प्रेस कर लें और अब इसे पकने दें थोड़ा सा घी लगाइए एक साइड पे रोटी को पकने दीजिए अब इसे फ्लिप कीजिए बहुत हाई चांसेस रहते हैं इसे टूटने के तो बहुत आराम से हल्के हाथ से, से फ्लिप कीजिएगा और कंटिन्यूसली प्रेस करते रहें, प्रेस कर करके से, के फ्लिप करते करते इस रोटी को आपने पकाना है लगभग दो से तीन मिनट ईच साइड कंटिन्यूसली प्रेस करना जरूरी है आपकी रोटी बनकर तैयार है, है। आइए इसे सर्व करते हैं गैस बंद कीजिए सर्व करने के लिए मैंने लिया है खीरा काट लिया है स्लाइसेस में और साथ में दही का एक बाउल इसमें रोटी को सर्व कीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो मिशन वेट लॉस इफ़ यू लाइक द रेसिपी शेयर इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स It is a great recipe if you have PCOD, you're looking for a weight loss, or you have thyroid or diabetes. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Namaskar.